बहुत सारे खाने पीने के स्पॉट्स हैं और कराची के अंदर हमारे यहाँ पे भी ऐसी भीड़ होती है भाई, बहुत तगड़ी भीड़ होती है रमजान के टाइम पे। कसम से समोसे मिलते हैं इतने इतने से। ये देखो इधर भी तो है सेम सेम ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन वीडियो। रमज़ान का व्लॉग है ये, बहुत ही बेहतरीन है। एंड ये वीडियो जो है वो स्ट्रीट फूड पी के लाइक चैनल से है, उन्होंने बनाई है। एंड इसमें उनके साथ अब्दुल मलिक फरीद भी हैं। कराची टू मक्का का सफ़र इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कराची टू मक्का विद अब्दुल मलिक फरीद, इफ्तार ऑन स्ट्रीट्स। सो बहुत बेहतरीन होने वाला है भाई। कराची के बारे में बताएंगे एंड मक्का के बारे में बताएंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड भाई हमें जानने मिलेगा ना कराची के बारे में भी, और कराची में कैसे इफ्तारी होती है ना। तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। उसकी वजह यह है कि हम आज आपको दिखाएंगे कि कराची में अफ्तार के वक्त क्या समा होता है, क्या गहमा गहमी होती है, क्या माहौल होता है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में उमरा करना ऐसा है कि जैसा किसी ने मेरे साथ हज किया। इतनी बड़ी इस महीने की सआदत है और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि इस महीने में मक्का मुकरमा की ज़्यारत करे। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में हम मक्का जा तो नहीं सकते, लेकिन अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको वहाँ पे लेके ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हैं हमारे दोस्त अब्दुल मलिक फरीद, जिनका यूट्यूब चैनल आपने ज़रूर देखा होगा। और वो हमको दिखाएंगे कि मक्का में अफ्तारी के वक्त क्या माहौल होता है और मक्का में आजकल क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ कराची में क्या सिचुएशन है। तो ज़्यादा देर नहीं करते और शुरू करते हैं और चलते हैं मक्कतुल मुकर्रमा। चले इलाही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क्र हूँ, इज्ज़ो नदामत साथ लाया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हंसते मुस्कुराते चेहरों को खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल मलिक फरीद और ज़िया भाई बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इनवाइट करने का अपने चैनल पे और अपने व्यूवर्स को भी मेरे से मुलाकात करवाने का। जिस तरह हमारे मुल्कों में रोज़ा खुलने से थोड़ी देर पहले लोग गुस्से में होते हैं, जल्दी में होते हैं, यहाँ पर सऊदी अरब में भी वही चीज़ है, मक्का में भी वैसे ही करते हैं। इस वक्त मक्का के हालात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर की तरफ हैं, लेकिन कोविड की वजह से वो पुरानी रौनक नहीं है अभी भी। SOPs के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी उम्रा अदा किया है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी, देखा था ये उम्रा तो हो गया, लेकिन हमें भी वो रौनक महसूस नहीं हो रही जो कि 2 साल पहले रमजान में हुआ करती थी। हमने उनका ये वाला व्लॉग देखा हुआ है अब्दुल मलिक फरीद का। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है मक्का की हवाओं की, वहाँ की फ़िज़ाओं की, वहाँ की गलियों की और वहाँ के नज़ारों की। और जो लोग हज उमरा कर चुके हैं आई एम श्योर उनकी यादें ताज़ा हो गई होंगी, और जो नहीं जा चुके गए हैं अब तक अल्लाह ताला उनको भी जल्द से जल्द दे के जाए। फ़िलहाल हम चलते हैं कराची के इलाके आयशा मंडल, क्योंकि वहाँ अफ्तारी का बहुत मज़ेदार सीन है, और चल के देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। चलें जी। अब्दुल मलिक फरीद भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के आयशा मंदिर के ऊपर, और ये धमतल स्वीट्स है और इसके आसपास और भी बहुत सारे खाने पीने के स्पॉट्स हैं। और कराची के अंदर हमारे यहाँ पे भी ऐसी भीड़ होती है भाई, बहुत तगड़ी भीड़ होती है रमज़ान के टाइम पे। कसम से समोसे मिलते हैं इतने इतने से। ये देखो इधर भी तो है सेम सेम ऐसे ही। हमारे इधर भी बहुत भीड़ होती है रमज़ान के टाइम, मतलब क्या ही बोलने का, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं ब्रो, अलग अलग टाइप की। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, क्या फ्रूट चाट है आपके पास, बताऊँ भाई क्या? बस एंड है भाई, एंड है, एंड है भाई, एंड है, अफ्तार का टाइम होने वाला है। खोल दे यार। अरे बाप रे,
किसकी किसके लिए बनवाई? ये अपने लिए और अपने लिए यारों दोस्तों के लिए। अरे वाह जबरदस्त। आ जाओ आ जाओ, गरम गरम कचौरी मिलेगी। आइए भाई आइए। कचौरी एक कचौरी 12 रुपए की है, 140 की दर्जन देते हैं सर, गरम गरम ताजी ताजी बिल्कुल। अरे वाह जिया भाई, बड़े ज़बरदस्त खाने हैं भाई, हमारे देसी खाने तो फिर क्या ही बात है उनकी। और अभी मैं ये सबसे पहले मैं ये लेने लगा हूँ यहाँ पर समोसे, और ये है शोहदा का इलाका, मस्जिद उमरा जहाँ से एहराम बांधते हैं उसको कहते हैं मस्जिद उमरा या मस्जिद सईदा आयशा, वहाँ से निकलें तो ये रास्ते में ही आता है। और मस्जिदुल हराम का ये रोड है, सीधा यहाँ से ये रोड मस्जिदुल हराम की तरफ जाता है। देख लें फिर कितना रश है यहाँ पर, और लाइन बहुत लंबी है, सोशल डिस्टेंस बना हुआ है। हमारे यहाँ पे भी है ना, मतलब एशिया साइड में लोग नहीं देखते भाई, चिपक चिपक के लेते चाहे कुछ भी होने दो। इधर देखो कितने तहजीब से खड़े, एक के बाद एक डिस्टेंस में। हमारे इधर नहीं खड़ता कोई डिस्टेंस में। जी अब्दुल मालिक भाई, हमने देखा कि आप देखो पीछे देखो, और लोग SOPs का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन कराची के अंदर जो है ना वो कोरोना की फिलहाल वो सिचुएशन नहीं है। पंजाब की साइड पे थोड़ा कोरोना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों को एहतियात रखनी चाहिए। और मैं भी मास्क लगा के रखता हूँ, लोग मुझे कमेंट्स में कहते रहते हैं, लेकिन मैं ऑन कैमरा जब आता हूँ तो बोलने के लिए आप लोगों के लिए मैं मास्क को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अदरवाइज़ ये माहौल है, ज़रा और एक्सप्लोर करते हैं कि और अफ्तारी का क्या सीन है। लाले लाले क्या वीडियो बनाएगा? कचौरी। अब आगे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर आगे जाके हम लेंगे एक शोरबा, यहाँ पर मिलता है उसको अरबी में शोरबा कहते हैं, वैसे सूप होता है हमारी ज़ुबान में भी शोरबा ही कहते हैं। रमज़ान और मुबारक के महीने में अरबी, जो भी अरबियों का घर है हर घर में वो वाला सूप। अब इस रेस्टोरेंट पे हमने जाना है कनाल असरिया पे, और यहाँ से अपना शोरबा लेके आएंगे। आजकल वो हालात तो है नहीं कि हम लोग सुकून से जाकर वीडियो बना लें और रेस्टोरेंट के अंदर जाएँ, आजकल टेक अवे सबसे ज़्यादा चलता है, कोविड की वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर। और दूसरा, सऊदी अरब में आपको प्राइवेसी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि जहाँ पर आप वीडियो बना रहे हैं वहाँ पर किसी और आदमी की वीडियो ना बने। सही बात है। सलाम अलैकुम, शुक्रन। ये माशाल्लाह यहाँ पर हर जगह पे कुछ ना कुछ बांट रहे होते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा की यह खूबसूरती है कि यहाँ पे हर जगह पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई बांट रहा होता है, कोई खजूर बांटता है, कोई चीज़ ये यहाँ पर बांट रहे थे। तो अगर कोई चीज़ बांट रहा हो तो वो ले लेनी चाहिए ताकि अगले बंदे को भी सवाब का मौका दिया जाए। सही बात, ठीक है जी। आयशा मंदिर पे तो आपने देखा कि वहाँ पे लोग अफ्तारी खरीद रहे हैं और काफ़ी गहमा गहमी है। वहाँ से निकल के हम आगे वाटर पम्प की तरफ आए हैं, और बीच में रास्ते में ये दस्तरखान लगा हुआ है, जिस तरह हमने देखा मक्का मुकर्रमा में भी माशाल्लाह आपको जो है अफ्तारी किसी ने खाना पकड़ा दिया, इसी तरह यहाँ भी जगह जगह ये सिलसिला चलता रहता है माशाल्लाह। देखिए भाई वहाँ पे दस्तरखान एक लगा हुआ था, अफ्तारी का सीन बना हुआ था, जरा सा आगे आए यहाँ पे पुलाव का सीन बना हुआ है। और इसी तरह पूरे शहर के अंदर जगह जगह जो है ना लोग अफ्तार करा रहे होते हैं, और बहुत ही रूह परवर मंजर होता है ये कराची का। मक्का एक पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर मक्का में अक्सर आप मोहल्लों में दाखिल होंगे तो वहाँ पर चढ़ाई उतराई अक्सर होती रहती है। ये हमारा मोहल्ला है, और मक्का के पुराने मोहल्लों में से ही एक मोहल्ले में मैं रहता हूँ।
को मक्का का ट्रेडिशनल सूप दिखाता हूँ। सूप मक्का में कौन सा इस्तेमाल करते हैं वो। हाँ तो भैया और अब्दुल मालिक भाई, जिस तरह आपने दिखाया कि आपके यहाँ मशहूर ये सूप है या जूस है रेड कलर का, उसी तरह हमारे यहाँ कराची में मिलता है कराची का फेमस वाटर पम्प का मशहूर तरबूज का शरबत। और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहीं पे हम रोज़ा खोल लेंगे। अफ्तारी के लिए हमने कोई ख़ास सामान लिया तो नहीं है, लेकिन यहीं से हम खजूर खा लेंगे और अफ्तार कर लेंगे, क्योंकि अफ्तार का असल एसेंस तो यही है। और यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो तरबूज का जूस है उसका क्या माहौल है। चले जिया भाई, हम आपको यहीं से ही अलविदा कहते हैं, क्योंकि हमें तो अभी बाकी 2 घंटे हैं इफ्तार में और आप लोगों के यहाँ इफ्तार का टाइम हो गया है। तो आपको और आपके व्यूवर्स को मेरी तरफ से अल्लाह बस। देखे भाई, आप रोजा भी खुलने वाला है और ये तरबूज का शरबत जो है, ये तरबूज के शरबत वाले भाई ये भी फी सबिलिल्लाह पिला रहे हैं। वैसे ये शरबत होता है 60 रुपए का गिलास होता है या 40 रुपए का होता है, बहुत इसके ऊपर रश होता है, लेकिन इस अफ्तार के टाइम पे, रोजे के टाइम पे ये तरबूज का शरबत भी है फ्री में बांट रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शर्माना नहीं है भाई, क्या बात है, ये ले मेरी जान गिलास ले, बहुत अच्छी बात है। अज़ान हो गई है भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रोजा खोलते हैं। This is the true spirit of Ramadan. क्या बात है, सुभानअल्लाह। ओके भाई, इसी के साथ हमारी आज की एपिसोड का अख्ताम हुआ। अफ्तारी भी हो चुकी है और मगरिब की नमाज भी हो चुकी है, और उम्मीद है कि आपको मेरी और अब्दुल मालिक फरीद की ये कोलैबोरेशन पसंद आई होगी। और अल्लाह करे कि ये कोविड वाली सिचुएशन जल्द से जल्द ख़त्म हो और हम सब बनफ़ से नफीस मक्का और मदीना की बार बार ज़्यारत अल्लाह ताला हमको नसीब करे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सो गाइज, ये था हमारा रिएक्शन ऑन कराची टू मक्का फ्रॉम स्ट्रीट फूड पीके विद अब्दुल फरीद मलिक, अब्दुल मालिक फरीद, सॉरी मैं हमेशा ना कंफ्यूज हो जाता हूँ उनके नाम पे, कसम से हमेशा मेरे सर नाम निकलता है, 10 बार बोलता हूँ तब जाके निकलता है। हम वीडियो कट करते ना एडिटिंग करते टाइम, भाई मेरा हमेशा मैं आगे पीछे करता हूँ, मलिक फरीद फरीद मलिक, मलिक फरीद फरीद मलिक, सॉरी सॉरी सॉरी। सो गाइस, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत मतलब उन्होंने थोड़ा थोड़ा पहले कराची का दिखाया, फिर मक्का का दिखाया, फिर कराची का दिखाया, फिर मक्का का दिखाया। सब लोग ज़कात दे रहे थे, है ना, सब लोग इफ्तारी के लिए लाइक लंगर लगा रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन वीडियो था, मज़ा आ गया मतलब। यस, एंड उन्होंने रोज़ा खोलते भी दिखाया, शाम को उन्होंने खजूर से रोज़ा खोला, एंड मतलब शरबत भी वो बांट रहे थे फ्री में, एंड उन्होंने मक्का का भी दिखाया, स्ट्रीट फूड्स, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यस, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कराची एंड एज वेल एज मक्का दोनों के स्ट्रीट फूड्स दिखाए, जैसे अब्दुल मालिक फरीद जी ने भी दिखाए एंड इधर इन्होंने भी दिखाए कराची में। सो बहुत ज़्यादा अच्छा, बेहतरीन पूरा माहौल बना हुआ था रमज़ान के टाइम, एंड रोज़ा खोलते हुए भी दिखाया उन्होंने लास्ट में, जो शरबत बांट रहे थे वो भी फ्री में। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पूरा रमज़ान का ये पूरा माहौल देखकर, एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही वीडियो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।